तालियों से स्वागत किया जाए। आप सबकी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ होनी चाहिए। सफलता की पराकाष्ठा को चूमे ये फिल्म। इंटर वक्त तक आपने ये फिल्म देखी है। अभी संगीत में फिल्म जट जटिल, जिसका म्यूजिक रिलीज हो रहा है एसआर के कंपनी द्वारा। सुमित सर हमारे बीच, सुमित मिश्रा मशहूर कला निर्देशक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है माफी चाहता हूं देर से बुलाने के लिए, लेकिन आप आए प्लीज, मंच पर सौभाग्य होगा हमारा। धन्यवाद बहुत बहुत सर। सुमित मिश्रा मशहूर कला निर्देशक, हमारे बड़े भाई हमारे बीच मौजूद हैं। एसआरके कंपनी द्वारा म्यूजिक रिलीज का भी एक समारोह आयोजित किया गया है। जब जटिल संगीतकार श्रवण साज, अमन श्लोक मौजूद हैं, निर्माता श्री अनिल पतंग जी और निर्देशक श्री रघुवीर सिंह और गणमान्य अतिथि, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जट जटिल के कला निर्देशक और मेरे मित्र, आग्रह है आपसे राजीव रंजन जी कृपया मंच पर आइए। राजीव रंजन जी, अजय एडिटर हमारे, अजय ये भी मौजूद हैं। राजीव रंजन जी आइए, म्यूजिक रिलीज के इस कार्यक्रम में शिरकत करें आप लोग मंच पर आकर। मेरा जो रोल है जटिनी का है, जटिन जो इस किरदार की मेन नायिकाएं थी जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, उनकी मतलब उनकी एक अलग स्टोरी थी। वो बहुत बहुत ही गरीब घर की औरत है, मतलब सॉरी लड़की थी, और उसकी शादी ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पैसे को बहुत महत्व देते हैं। देखिए जो गरीब है उनके लिए एक रुपया भी बहुत कीमती होता है, और जो अमीर है उनके लिए भी करोड़ों रुपए कीमती होते हैं। तो ये जो कहानी है ये बेसिकली एकदम नॉर्मल परिवार की लड़की की कहानी है, जिसके यहाँ एक एक रुपए की कीमत होती है। और मैं मतलब जटनी जो है नहीं ला पाती, उसको बहुत सारे मतलब ससुराल में, जैसे पुराने ज़माने में औरतों को जिन जिन बातों के आगे होकर गुजरना पड़ता था, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी जटनी पढ़ी लिखी नहीं रहती है, और वो मतलब अनजाने में एक ऐसी दवा अपने सास को देती है जो मतलब गलती से उनकी मृत्यु हो जाती है उसकी सास की। इसकी मतलब इसकी भी इल्ज़ाम जटनी पे आ जाती है। फिर उसका पति, उसके घर वाले बहुत नेगेटिव हो जाते हैं उसके प्रति, और वो प्यार, वो सब कुछ जो जट और जटीन का जो प्रेम जिस तरीके से डेवलप हुआ था, वो धीरे धीरे बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन और बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाती है उनकी लाइफ। फिर भी जटनी किसी तरह सरवाइव करती है कि परिवार को लेकर चले ससुराल में। ससुराल में किस तरीके से, जिस तरह लड़की आई है वो लड़की अर्थी में घर जाए ऐसा होता है पहले के ज़माने में, तो बिल्कुल वो फॉलो करती है इन चीज़ों को। लेकिन इसके बावजूद भी उसके जो पति हैं, जट निकाल देता है उसको घर से, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि शायद मैं पढ़ी लिखी होती, एजुकेटेड होती, तो आज मेरी ज़िंदगी में ये नहीं होता। और फिर वो पढ़ना शुरू करती है, पढ़ते पढ़ते फिर जट उसको जाता है, उसको भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो जाकर जटनी को लाता है। फिर जट पैसे की वही प्रॉब्लम, एक बेटा हो जाता है, फिर पैसे का झंझट प्रॉब्लम, फिर वो बाहर कमाने जाता है, और अकेले मतलब जटनी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, खेत जोतना, घर संभालना, लोगों के ताने सुनना, फैमिली वाले अगेंस्ट में होते हैं। मतलब फाइनली मैं यही कहूँगी कि एक औरत के संघर्ष के ऊपर ये आधारित है फिल्म जटनी, एक प्रेम के ऊपर आधारित है ये जट जटिन, कि इनके प्रेम आज से बहुत पुराने इतिहास के लिए बहुत मायने रखता है। और आज भी बिहार में स्पेशली मुझे मतलब जहाँ तक पता है, मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे बताते हैं लोग कि आज भी बिहार में
न जाने कितने सालों से उनके गानों के ऊपर परफॉर्म करते आए हैं बच्चे, और आज भी करते हैं, और न जाने कितने युगों युगों तक करेंगे। तो मैं बस स्पेशली थैंक्स करती हूँ अनिल पतिंग जी का और रघुवीर जी का, और जिन लोगों ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया, उन सब का, कि मुझे इतनी पुरानी स्टोरी के ऊपर काम करने का मौका मिला, और एक ऐसी किरदार जटिनी जिसको दुनिया के हर लोग जानते हैं, जिसको मतलब जिस जो एक परंपरा पे आधारित है, उस औरत के रोल को मैंने निभाया है। थैंक यू। कैसा लगा आपको? देखिए, इस फिल्म में काम करके मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनली फीलिंग्स बहुत आई, और मैं मतलब मुझे एहसास हुआ कि एक गांव की औरत की रूप, एक गांव की लड़की का रूप, उसके व्यवहार, उसकी बात करने का तरीका, और कितना मतलब बहुत जैसे हम जैसी लड़कियां बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन जटनी के रोल के लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, वर्कआउट करना पड़ा मुझे कैरेक्टर को रियलिटी में बदलने के लिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं जटनी नहीं हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ मेरे दर्शक मुझे जटनी ही समझें और वही समझें, ज्योति नहीं। देखिए, इस कैरेक्टर को मतलब करने के लिए मैं जानती नहीं हूँ, ना ही मैंने बुक पढ़े थे, ना ही मैंने स्टोरी पढ़ी थी, और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब मुझे सीधा फाइनल किया गया, और जब मैं वहाँ गई और गाने ये ओरिजिनल लैंग्वेज पे हैं ये गाने इसके, और मैं वो लैंग्वेज भी नहीं जानती हूँ, तो थोड़ा तो होता है कि लिपसिंग याद करो, फिर एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंट करो, क्योंकि हमारी पब्लिक या हमारे दर्शक ये नहीं देखते कि आपको क्या मतलब क्या कर रहे हो, वो ये देखते हैं कि इसको कितना जस्टिफाई किया है आपने। तो बस मैंने अपनी कोशिश की है कि लोग मुझे जटनी के रूप में पहचाने और पसंद करें। मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि ये ना तो ग्लैमरस फिल्म है, और ये ना ही कोई मतलब कुछ ऐसी स्टोरी नहीं है, ये बहुत ही रियल, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सिंपल स्टोरी है। आई थिंक आप सबको पसंद आएगी। आप लोगों ने इससे पहले बहुत सारी फिल्में देखी होंगे, बहुत सारी फिल्मों को जस्टिफाई किया होगा, कुछ में कमियां निकाली होगी या कुछ में एंजॉय किया होगा, तो मेरी जो फिल्म है शायद इन सब से हटकर है ये फिल्म। आप सबको बस पसंद आए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे दर्शक ही हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े पैसे हैं। थैंक यू। एक्चुअली ये जट जटिन जब मैं 8 में था तब से ही कर रहा हूँ, और गांव के माँ बहन से गाना सुन के उसके ट्यून को लेके, और फिर मैं संगीत का विद्यार्थी रहा, अभी मैं मुंबई में म्यूज़िक टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में, और इसको हमने पहले नाटक के रूप में 700 शो किया, और इस प्रकार जो है और इसके जीवंत को हमने बनाए रखा, और अभी अनिल पतंग जी जो इसके राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा ये फिल्म हम बनाते हैं और पारंपरिक धुन ही रखा जाए जैसा कि है, और ये लगभग 600 बरस पुराने सारे ट्यून्स हैं, उसको हमने किया और लगातार करते हुए यहाँ आया। हम ऐसा चाहेंगे कि फोक बिहार का पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, और आप लोगों का इसमें सहयोग बहुत ज़रूरी है, और यही हम चाहेंगे। हम कोशिश किए हैं, गीत भी मेल की आवाज़ में मेरा है इसमें, और संगीत तो मेरा और श्लोक जी का है ही। थैंक यू। बहुत अच्छी चलेगी भाई। जो आप पूछेंगे हम बताएंगे, या मुझे बोल देना है, क्वेश्चन करेंगे ना? ठीक है, ओके। इस फिल्म के थ्रू सबसे बड़ी चीज़ जो है कि इस फिल्म के थ्रू एक नई संस्कृति जानने का मौका मिला है, जिसको मैं नहीं जानता था बिहार में रहते हुए। और जो सबसे बड़ी बात है कि फिल्में जो बन रही है, तो अधिकांश फिल्में हम अपने फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं, जो अधिकतर जो फिल्में बनी, लेकिन हम इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकेंगे। इतनी अच्छी फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है,
और संस्कृति को इसने दर्शाया है जो हम नहीं जानते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। सबसे पहले तो मैं साहिला चड्ढा, फिल्म एक्टर मिस इंडिया, सबको नमस्कार करती हूँ। ये फिल्म एक सभी फिल्में लोग सभी बोलते हैं कि हटके भाषा भी है इसमें और मैथिली जो बोलते हैं ये भाषा है इसमें। और इसका एक और फ़ायदा है कि इसमें कोई बड़े स्टार्स ऐसे किसी को नहीं लिया है, बल्कि ये अगर मेहनत करेंगे तो ये खुद ही स्टार्स बन जाएंगे। तो कोई किसी का ये नहीं होता है कि कोई बॉर्न स्टार होता है या ऐसा कुछ होता है, सबकी एक पहली फिल्म होती है, सब न्यूकमर्स होते हैं। और मैं तो कहती हूँ हम सब अभी तक न्यूकमर्स है, बिकॉज हर रोज़ हमें एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं, तो हर रोज़ हम जीने की एक तरीका सीखते हैं। वैसे ही इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा हिंदुस्तान की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ मालूम होगी नॉर्थ से जो रिलेटेड है। तो मुझे तो लगता है कि ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए, एंड मैं प्रोड्यूसर्स पूरे कास्ट क्रू सबको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप ये फिल्म डेफिनेटली चले, बिकॉज हर फिल्म को चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज इससे जुड़े हुए हैं, तो अगर एक फिल्म की मेहनत को सराहा जाए, उसके कास्ट और क्रू को वो क्रेडिट मिला जाए, तो आगे और अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स हम आपको दे पाएंगे। तो इसीलिए हर फिल्म को अच्छी तरह से देखिए एंड एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई एम डूइंग, अभी मैंने एज एन एक्टर मैं खैर 10 साल की उम्र से मोर देन 50 सक्सेसफुल फिल्में की हैं, जिसमें मैं हमेशा बोलती हूँ हम आपके हैं कौन, मेरी फिल्म है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं हम आप ही की हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी मेरी दो हिंदी फिल्में हैं, एक इंटरनेशनल फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म की भी है, तो आपको मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन बहुत जल्द आप मुझे स्क्रीन पे वापस देखेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मेरी फिल्में ज़रूर देखेगा और ये फिल्म भी ज़रूर देखेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। नॉट ओनली इन बॉम्बे, ऑल ओवर द कंट्री ही गॉन एंड सपोर्टेड द कॉज, सेव द चिल्ड्रन। एक ऐसा ना हमारे देश का एक एनजीओ है जो हर वो बच्चों को सुनील अन्ना के जरिए उन बच्चों को है ना एक खुशी मिलती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अन्ना के साथ जुड़ा हूँ पिछले 15-20 साल से। अन्ना सॉरी सुनील, एक दो प्रश्न है आपसे। एक तो ये आपका लुक किस चीज़ के लिए है? लुक काम नहीं है इसीलिए दाढ़ी बढ़ा लुक कुछ लोग करते हैं कि फिल्म के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी काम नहीं है तो वो सोच रहा हूँ देख लूँ कि कौन सा लुक अच्छा लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फिल्म तो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अभी होम प्रोडक्शन करूं तो उनके लिए जरूर करूंगा, ऑफ कोर्स बताता हूं।